तो देखो आगे, अगली वीडियो मैंने बताया आपको क्लास में कि पानी के कार्य किसके, पानी के कार्य बताए थे, जल के, वाटर के कार्य बताए, आपको वाटर दिखाई दे रहा है। अब बताएंगे हम लोग कि खनिज के, अब आता है कि खनिज क्या है। सबसे बड़ी बात है जब खनिज ही पता लग जाए तो काम हो जाएगा। खदानों से निकली या मिट्टी से प्राप्त होने वाला मटेरियल। अब हम बात करें नमक कहाँ से आता है, आम के पेड़ में लगता है नहीं, कहाँ से आता है, खदान से। तो क्या कहलाएगा, खनिज, क्या कहलाएगा, खनिज। तो इसमें सब वो चीज़ें आएंगी जैसे आप बात कर रहे हैं, देखो कॉपर है, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, स्कैंडियम है, ये सारे सारे जमीन से मिलते हैं। खदान से मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, खनिज कहलाएंगे। समुद्र के पानी से मिलेंगे, खनिज कहलाएंगे, ठीक है, जैसे कि नमक। तो इन्हें बोलेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिशनल, क्या बोलेंगे, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ये शरीर में कम पड़ गए तो शरीर में दर्द हो सकता है, शरीर में थकान हो सकती है, शरीर के बाल झड़ना शुरू हो जाए, कई चीज़ें सामने आने लगेंगी इन तत्वों की। जैसे कि आप समझें कि आयोडीन की कमी पड़ गई तो क्या हो गया, घेंगा हो गया, चिकवाइटर हो गया, फूल जाता है ना घेंगा, वही है ये, क्या है, घेंगा हो जाता है। तो हम देखेंगे ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, सभी न्यूट्रिएंट्स मिला के बॉडी के सभी अंगों को संचालित करते हैं, पशु स्वस्थ रहेगा। जैसे पानी के कार्य, वसा के कार्य, जैसे खनिजों के कार्य। तो कैल्शियम क्या बनाता है, हड्डी सफ़ेद होती है, चूना सफ़ेद होता है, उसमें कैल्शियम होता है, वो हड्डी बनाएगा। यदि दूध देने वाला पशु है और उसे कैल्शियम की कमी पड़ गई तो उसे दुग्ध ज्वर या मिल्क फीवर हो जाएगा, इसलिए कम नहीं पड़ना चाहिए। यदि कम पड़ता दिख रहा है, पशु मुरझा सा खड़ा रहता है, तो आप समझ जाइए इसे कैल्शियम कमी है। तो अपने चूना खाने वाली, जो तंबाकू खाने वाली की चूनी डिब्बी आती है ना, उसको उसके घोल में डालते रहिए थोड़ा 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 8-10 दिन में, और वो धीरे धीरे रिकवर होने के बाद देखेंगे कि उसकी थकान खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, थकान खत्म हो जाएगी। ऊतक निर्माण यानी जो मांस है उसके बनाने में कुछ तत्वों के इनमें से क्या काम आएंगे, ऊतक बनाने में या शरीर की वृद्धि करेंगे। पूरी बॉडी मांस कैसे बना है, इन तत्वों से ही मिलकर बना है। इसका ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास 1 किलो भूसा है, क्या है, 1 किलो भूसा है, मैंने आग लगाई तो क्या बची, राख, क्या बची, राख, एस। तो एस में यही मिलेंगे शरीर, ये जलते नहीं है कभी, क्या ये कभी जलते नहीं है। तो किसी चीज़ को जलने के बाद जो बचती है राख, वह क्या होता है, खनिज या मिनरल्स होते हैं। अब आता है आई, आयोडीन, आयोडीन से क्या हो जाता है, देखो घेंगा, घेंगा यानी गोइटर हो जाता है, तो ये गोइटर से बचाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण करती है, तो प्रोटीन से क्या बनता है, फिर पूरी बॉडी में नाखून, खुर, बाल, मांस, तो इसलिए ये होता है नाइट्रोजन। फास्फोरस हड्डी और दांतों को बनाता है, दांत हड्डी मजबूत बनती है। तो ये सब क्या दिए, मिनरल्सों के कुछ काम इकट्ठे दे दिए मैंने सब, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी क्या है, अगला फंक्शन, ठीक है, अच्छा लगा ना एकदम, मजा आया। अब देखो दूसरा, विटामिन। अब विटामिन हम लोग हम देखेंगे विटामिन को कैसे याद रखेंगे, कि आपने देखा होगा थाली में हम लोग क्या लेते हैं, सब्जियां, और हम लोग बाजार से ठेले से क्या ले रहे हैं, फल। फल एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, उनके अंदर जो फल बॉडी कैसे बना है, विटामिन प्रोटीन से। चारा कैसे बना है, प्रोटीन विटामिनों से। तो हम हरे चारे खिलाएं पशुओं को तो बॉडी में पहुंच जाएंगे, सही है, वो अच्छे से काम करेंगे। हम लोग अपने लिए क्या लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं वो हरे चारे हैं, फल हैं, है ना, ये सब लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्हें खाने से अनेक रोगों के, है ना, अनेक प्रकार के रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो विटामिन होंगी तो आँखों में विटामिन ए पहुँच गई तो कभी आपको रतौनी नहीं होगी, अर्थात आँख से कम दिखेगा नहीं, अच्छा दिखेगा। यदि हम लोग क्या खाएँ, आम खाएँ, आम खाएँ, विटामिन्स खाएँ, प्रोटीन्स खाएँ, ठीक है। अब आती है हमारे पास पशुओं की उचित वृद्धि। जब शरीर में ये पहुँचेंगे तो कैसा हो जाएगा पशु, ये मस्त ले जाएंगे तो लोग कहेंगे यार देखो इसकी भैंस कैसी, इसकी गाय देखो कितनी अच्छी लग रही है, हमने खिलाया है माल, माल से बॉडी बनी है, सही है। और आपने एक टोकरी भूसा रख गया है, क्या रख गया है, चारा रख गया है, अब वो सुखड़ गया बेचारा, खाना था उसको 18 किलो, खिलाया 2 किलो, तो सूख जाएगा, ठीक है ना, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये आएगा, ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। जब ये खाएंगे तो इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट जाएंगे और शरीर की कार्य करने की शक्ति लाएंगे, शरीर में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा।
एंजाइम्स बनेंगे, इनसे क्या बनेंगे बॉडी एंजाइम। एंजाइम क्या कराते हैं, पूरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हम उनको सब कराएंगे, चाहे वो प्रेगनेंसी लेना हो, चाहे वो बाल बनना हो, चाहे श्वसन हो, सारे कामों के लिए कौन लगा देता है अम्मा को, यही देता आदेश, जो कुछ है वो सब एंजाइम। पाचन के लिए अपन लोग इंसुलिन हार्मोन से ये सब पचाने का काम करेंगे, तो ये सब बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। चलने में सहायता करेंगे। अब आते हैं प्रोटीन के आवश्यक कार्य। तो प्रोटीन्स यदि कोई गाय भैंस खाती है, हरे चारे खाती है, दाना खाती है, तो उसके शरीर कैसा दिखेगा, तो आप देख रहे हैं शरीर में मांस की वृद्धि होगी। तो आप देख रहे हैं गाय एकदम स्वस्थ है, कमजोर तो नहीं है ना, तो किसकी वजह से नहीं है कमजोर, क्योंकि इसकी बॉडी में प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स है, अपनी बॉडी में प्रोटीन है तो मस्त है, और प्रोटीन नहीं है तो सुकड़े राजा, ठीक है ना। दूसरा पशु की वृद्धि तथा उत्पादन, ये बॉडी जब वृद्धि होगी, शरीर होगा तो उत्पादन होगा, तो देखो उसके दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, प्रोटीन से क्या बढ़ जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। जैसे दूध, ऊन, भेड़ के ऊपर क्या होते हैं ऊन, ऊन किससे बनती है, प्रोटीन से। तो ऊन जो होती है क्या होते हैं ऊन यानी बाल, उसके 99% के लगभग क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। तो भेड़ में तो यदि ऊन प्राप्त करना है तो प्रोटीन युक्त आहार खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, प्रोटीन युक्त आहार खिलाएंगे। हमारे बाल, नाखून, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी पड़ गई तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे, नाखून कमजोर हो जाएंगे, ये सब बातें आएंगी। अब आता है इसके बाद शरीर की छीण हुए मांस की पूर्ति करता है, यानी हम लोग कहीं गिर गए तो ये छिल गए तो उस जगह घाव भरे आएगा, हमारा कट गए तो घाव भरे आएगा, यानी जो कटी हुई मांस है वो कैसी हो जाएगी, फिर से रिपेयर हो जाएगी। तो यदि फिर से रिपेयर हो गई तो किसने करी थी, प्रोटीन ने, क्योंकि मांस किसने बनाया था, प्रोटीन ने। प्रोटीन ने क्या दी, हार्मोन्स को दी कि भाई वहाँ कट गए जल्दी सही करो, सही हो जाती है, क्या हो जाती है, समझे ना बाबू, ठीक है। सींग एवं खोर किसके बने हुए हैं, मैंने कही ना खोर, सींग, ये सब काय के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। बाल काय के बने, प्रोटीन के। खुर काय के बने हुए हैं, प्रोटीन के, ठीक है। हाँ, तो सींग खोर निर्माण करता है। इसकी जगह दूसरा शब्द ये भी कह सकते हैं गाय की रचना बनाएंगे, बाल नाखून हो जो बनेंगे तो गाय की रचना बन जाएगी, तो ये रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रोटीन पशु की शरीर की वृद्धि करता है, तो हमेशा ही पढ़ते आए प्रोटीन अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए किसी को बढ़िया प्रोटीन आहार खिलाते रहो, ये मोटा हो जाएगा, फिर जब बेचेंगे तो मांस ज़्यादा बचेगा, 600-700 किलो का बचेगा। ऊन उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना।